मोहम्मद अली मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर समारोह आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनीस अहमद ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ट्रस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष पप्पू काठार करबला मार्ग ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट अध्यक्ष काठार ने कहा कि डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बड़ा है, असफलता से हताश नहीं हो और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। उनका जीवन हमें हमेशा मेहनत करने, सादा जीवन जीने की शिक्षा देता है। साथ ही यह शिक्षा देता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें मेहनत करनी है और लक्ष्य प्राप्त करना है। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को डॉक्टर कलाम के जीवन की शिक्षाओं को अपनाकर कठिन परिश्रम करने तथा लक्ष्य एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने उद्बोधन एवं नगमों के जरिए डॉक्टर कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हाजी मोहम्मद हनीफ सौगर तथा मौलाना सैकुन खान सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।